नमस्कार दोस्तों, पुष्पस किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मैगी मसाला देकर कद्दू की सब्जी। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस सामग्री लग रहा है 500 कद्दू है। कद्दू को छोटे छोटे पीस में मैं धो के छील के इसको काट ली हूँ। एक आलू है 100 ग्राम, इसको भी धो के छील के छोटा छोटा टुकड़ों में काट ली हूँ। आज चना का दाल है 100, उसको 2 लाल मिर्च और 4 हरी मिर्च, 12 करी पत्ते, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1/4 चम्मच, काला जीरा 1/4 चम्मच, 1 चम्मच शक्कर और 2 चटकी हींग और 4 चम्मच तेल, 1 मैगी मसाला। अब मैं कढ़ाई में 4 चम्मच तेल दूंगी। तेल गरम हो गया है मेरा। अब मैं साबुत लाल मिर्च इसमें दे रही हूँ, काला जीरा, इसको थोड़ा देर पकने दूंगी। अब मैं कारी पत्ते को भी दे रही हूँ, इसको भी थोड़ा देर ही पकने दूंगी। अब मैं इसमें 2 चुटकी हींग ऐड करूंगी, इसके बाद थोड़ा देर इसको पकने दूंगी। अब मैं इसमें चने के दाल को 4 घंटे भिगो के रखी थी, चने के दाल को दे दूंगी इसमें। मेरा गैस मीडियम रहेगा और इसमें मैं थोड़ा देर चने के दाल को फ्राई करूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा देर पकने दूंगी। मैं ढक के इसको 2 मिनट पकाऊंगी। अब मेरा 2 मिनट हो गया है। अब मैं फिर से इसको मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें आलू को ऐड कर दूंगी। देने के बाद अब मैं फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर देने से अच्छे से पकेगा। अब मैं इसमें कद्दू को भी ऐड कर दूंगी। ये भेज सब्जी है, पराठा रोटी में बहुत अच्छा लगता है, पूरी में भी खाने से भी अच्छा लगता है। अब मैं कद्दू को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढक के पकाऊँगी। ये पक रहा है मेरा, बीच बीच में इसको मिक्स कर दूँगी, चला दूँगी। गैस मेरा मीडियम ही रहेगा। अब मैं इसमें हल्दी और नमक स्वाद अनुसार इसमें दे दूंगी। देने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अच्छे से हल्दी और नमक मिक्स कर दूंगी। अब इसको ढक के फिर से मैं पकाऊंगी, बीच बीच में चलाते रहूँगी। इसमें तो पानी नहीं दूंगी, ऐसे ही ये पकेगा। अब मैं गैस का फ्लेम लो कर दूंगी, एकदम लो करने के बाद अब मैं इसमें मैगी मसाला ऐड कर दूंगी और फिर से मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। अब मैं इसमें शक्कर को ऐड करूंगी। शक्कर आप चाहे तो दीजिए, नहीं तो नहीं देने से भी चलता है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। करने के बाद इसको ढक के मैं और थोड़ा देर पकाऊंगी। पका के
मेरा सब्जी तैयार हो गया है। इसको होने में 15 मिनट लगा है। 15 मिनट इसको ढक के मैं पकाई हूँ। अब ऐसे ही पकाइए, खाइए। आपका अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।